हेलो एवरीवन मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार ऐसे किडनी फ्रेंडली फ्रूट्स के बारे में जो डायबिटिक पेशेंट नॉन डायबिटिक पेशेंट दोनों ही खा सकते हैं स्पेशली बहुत सी कंट्रोवर्सीज आती हैं बहुत से क्वेरीज uh, आती हैं कि हम ये फ्रूट खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं क्योंकि किडनी पेशेंट्स में मोस्टली फ्रूट्स मना होते हैं बिकॉज उनके अंदर पोटेशियम की मात्रा भी ज़्यादा होती है किसी में वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो उसी के अकॉर्डिंग किसी के अंदर स्वीटनेस ज़्यादा है तो डायबिटिक पेशेंट हो नॉन डायबिटिक हो बहुत सी क्वेरीज आती रहती है तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चार ऐसे फ्रूट्स के बारे में जो डायबिटिक पेशेंट नॉन डायबिटिक बहुत इजीली इंटेक कर सकते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर बस हमें क्या ध्यान रखना है क्वांटिटी का ध्यान रखना है 150 ग्राम से एक्सीड नहीं करना है अदरवाइज वो बहुत सेफली इनका इंटेक कर सकते हैं फर्स्ट फ्रूट है आपका एप्पल सेकेंड है पपाया थर्ड है गुआवा और फोर्थ है जामुन तीनों के अंदर ही पोटेशियम की मात्रा कम से कम रहती है रिच इन फाइबर रहते हैं आपको हाइड्रेटेड रखते हैं आपका स्टमक एकदम क्लियर रखते हैं आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करते हैं तो बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं बट डायबिटिक पेशेंट को क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट करना है 150 ग्राम से एक्सीड नहीं करना है नॉन डायबिटिक पेशेंट उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं बट हमें क्या ध्यान रखना है हम मिक्स फ्रूट के फॉर्म में ले रहे हैं तो भी हमें 150 ग्राम का इंटेक करना है अगर हम सिंगल फ्रूट ले रहे हैं तो भी 150 से एक्सीड नहीं करना है स्पेशली फॉर डायबिटिक पेशेंट्स जब भी हम फ्रूट्स की बात करते हैं फ्रूट्स हमारे स्टमक को फुल करने में बहुत अच्छी हेल्प करते हैं क्योंकि फाइबर कंटेंट अच्छा होता है और पेशेंट्स के अंदर कॉन्स्टिवेशन अगर बना हुआ रहता है उसको रिलीव करने में मदद करता है तो नॉर्मल डाइट के अंदर हम अगर फ्रूट्स एड ऑन करते हैं तो हमारा बेनिफिट ही होता है बट जहाँ किडनी पेशेंट्स की बात आ जाती है या किडनी फेलियर के पेशेंट्स की बात आ जाती है उनके अंदर हमें खास ध्यान रखना होता है कि पोटाशियम की मात्रा ज़्यादा ना जाए इसलिए ये चारों फ्रूट्स ही किडनी फ्रेंडली हैं लो इन पोटाशियम है आप इजीली इनका इनटेक कर सकते हैं कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी इसको लेने से आपकी कोई भी रिपोर्ट में पोटाशियम बढ़ा हुआ नहीं नजर आएगा बस हमें क्वान्टिटी का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं अपनी डाइट को लेकर या क्वेरी है किसी भी चीज़ को लेकर अपने सिम्टम को लेकर तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं आप हमसे आकर मिल भी सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कि आप ये फ्रूट ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं कितनी क्वान्टिटी में लेना है उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा डाइट प्लान हम प्रिपेयर करते हैं रिपोर्ट्स देखने के बाद आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी कि इन फ्रूट्स का इंटेक किस मात्रा में करना है कैसे करना है ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में जहाँ हम लेकर आएंगे बहुत सी ऐसी टिप्स जो आपके किडनी को हेल्दी रखने में मदद करेगी तब तक के लिए ईट हेल्दी स्टे हेल्दी एंड टेक केयर